एक के बाद एक सिद्धार्थ शुक्ला के जलवे, उन सब जलवों के बीच में फंसा एक और सिद्धार्थ शुक्ला का हिंदुस्तान टाइम्स को दिया प्यारा सा इंटरव्यू, जहां पर सिद्धार्थ ने चंद बातें कही। देखिए सिद्धार्थ को अफसोस भी है, सिद्धार्थ ने ढेर सारी बातें कही। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं क्या क्या सिद्धार्थ शुक्ला ने कहा। सिद्धार्थ से बिग बॉस सीजन 13 के बाद क्या क्या उन्होंने किया, क्या क्या इंप्रूवमेंट किया, क्या क्या काम किया, कैसे काम किया, हाउ टू फील दिस, बताओ, जानना है फैंस को। तो सिद्धार्थ ने हिंदुस्तान टाइम्स को एक बार फिर से अपनी सारी बातें बयां कर दी। सिद्धार्थ ने कहा बिग बॉस सीजन 13 हमारे लिए बहुत ग्रेट सीजन रहा। बिग बॉस सीजन 13 से हमें बहुत ज्यादा प्यार मिला, मगर बाहर आकर हमने सोचा कि यार हम बाहर क्यों आ गए, घर के अंदर ही रह लेते यार, क्योंकि हम बाहर आने के बाद भी अपने घर के अंदर जिंदगी गुजार रहा भाई, क्योंकि कोविड चल रहा है और मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है कि ये कोरोना वायरस की वजह से हमने काफी सारे अपनों को खोया, काफी सारे अपनों को खोया। अब सिद्धार्थ शुक्ला एक बात और कहते हैं, सिद्धार्थ कहते हैं कि कोरोना वायरस के काल में मैंने काम किया, कोरोना वायरस के काल के अंदर मैंने काम किया, ये वाकई में मैं अपने आप को काफी ज्यादा अप्रिशिएट करना चाहूंगा खुद को, जो सिद्धार्थ शुक्ला ने अपने आप के अंदर खुद एक बड़ा टैलेंट दिखाया, काम करके दिखाया। इस पैंडेमिक के माहौल में सिद्धार्थ शुक्ला का काम लगातार जारी रहा, हालांकि कहीं कहीं प्रॉब्लम से फ्रेस करनी पड़ी, मगर काम लगातार सिद्धार्थ शुक्ला का जारी रहा। सिद्धार्थ शुक्ला ने यह भी कहा कि मैं बहुत ज्यादा खुशकिस्मत हूं, बहुत ज्यादा खुशकिस्मत, वाय इतना खुशकिस्मत तो भाई और कोई मुझे शायद ही, औरों की मुझे नहीं पता, अपनी मानता हूं कि मैं बहुत ज्यादा खुशकिस्मत हूं। इसका रीजन ये कि इतने सारे फैंस का प्यार और इस कोरोना के टाइम में भी मेरे प्रोजेक्ट सक्सेस करते रहे, सक्सेस, फैंस ने इतना ज्यादा प्यार दिखा दिया, ये प्यार कभी खत्म नहीं होना चाहिए वरना एक एक रिमांड ले ली जाएगी। सिद्धार्थ शुक्ला ने कहा मेरे लिए मेरा काम बहुत बड़ा चैलेंज है, मेरे लिए जो जितना भी मेरा काम है वो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। मैं हमेशा सोचता हूं कि कुछ अगर काम करूं अगला तो सोचूं कुछ उसके अंदर अच्छा इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करूं, और सबसे ज्यादा मेरे लिए चैलेंज रहा है काम इस पैंडेमिक के माहौल के अंदर, कोरोना वायरस के अंदर कितना ज्यादा प्रॉब्लम सभी को फेस करनी पड़ रही है शूट करने में, ये तो आप बखूबी जानते होंगे, सारे बीटीएस आपके सामने निकल कर आए। रातों रात सिद्धार्थ ने ब्रोकन बट ब्यूटीफुल 3 का शूट कंप्लीट करके दिखाया है, और आज सीरीज जो सक्सेस हुई है ना, वाकई में दिल खुश हो गया, खुश हो गया, जेन्युइन तरह से इसको अप्रिशिएट करना चाहिए सिद्धार्थ शुक्ला की इस वाली वेब सीरीज को, बहुत सारे फैंस ने करके भी दिखाया, I'm very happy। सिद्धार्थ शुक्ला ने साथ ही साथ में यह वाली भी बात कही कि मुझे बहुत ज्यादा दुख है, बहुत अफसोस है कि हमने अपनों को गवाया इस कोरोना वायरस की वजह से। हम दुआएं करते रहे कि जल्द से जल्द ये खत्म हो जाए पैंडेमिक का माहौल, मगर गया, फिर उसके बाद से माहौल ठीक हुआ, फिर दोबारा से आ गया और हमने बहुत सारे इस बार अपनों को गवा दिया। मुझे बहुत ज्यादा गम है क्योंकि मैं कभी भी ये नहीं सोचता कि कौन दूसरा है कौन बाहर का है, मैं सभी को अपना समझता हूं, जिन्होंने मुझे यहां तक लाकर खड़ा किया, जिन्होंने मुझे बनाया, वो सब मेरे अपने हैं, और जो इस दुनिया को अलविदा कहकर गए उनके माता पिता फैमिली रिलेशनशिप में, वो सब हमारे अपने हैं। तो मुझे बहुत ज्यादा दुख है कि अपनों को गवाया, तो वो सब कहते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि सिद्धार्थ का जो कोई प्रोजेक्ट देख रहा है, सॉन्ग देख रहा है, सिद्धार्थ कोई वेब सीरीज देख रहा है, वो भी सिद्धार्थ का अपना, ये सब सिद्धार्थ का मानना है। मिलेगा नहीं ऐसा आइडल, मिलेगा नहीं, लिख के रख लो, मिलेगा नहीं ऐसा आइडल, इस वजह से कहते हैं कि दिल से प्यार करो करना है तो। और इस बीच सिद्धार्थ ने ये वाली भी बात कही कि मेरी बहुत बड़ी बदकिस्मती रही, मेरी जो सीरीज आई वेब सीरीज आई ये बहुत बड़ी बदकिस्मती रही। क्यों सिद्धार्थ ने इतनी बड़ी बात कह डाली बदकिस्मती, सुनिए थोड़ा सा। सिद्धार्थ ने कहा कि बहुत ज्यादा बदकिस्मती रही कि ये वेब सीरीज इस कोरोना काल के टाइम में आई। सिद्धार्थ का मानना है अगर ये कोरोना काल के टाइम में नहीं आती, धड़ाधड़ धड़ाधड़ इसकी प्रमोशन दी जाती, जितने भी सारे शोज चल रहे हैं सब जगह प्रमोशन दी जाती सिद्धार्थ शुक्ला की तरफ से, मगर अफसोस बदकिस्मती के इस सीरीज को हमें कोरोना काल के टाइम में लाना पड़ा।
इसमें सिद्धार्थ शुक्ला एक बहुत बड़ी खुशकिस्मती वाली बात समझते हैं, और वो बात ये समझते हैं कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि हमने हमने फैंस को हंसाने का, फैंस को एंटरटेन करने का, फैंस को घर में बैठाने का मौका दिया। मैं बहुत खुशकिस्मत हूं, फैंस ने बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया हमारे काम को, सक्सेस दिलाई, सपोर्ट दिलाई, घर के अंदर रहने को हमने कहा, फैंस ने घर में भी रहकर अपनी लाइफ को आगे बढ़ाया और हमारी सीरीज को प्यार दिखाया, देखा। मैं बहुत खुशकिस्मत हूं, इसमें मैंने बहुत दिल से काम किया है, उतना ही दिल से, उससे कई गुना ज्यादा दिल से फैंस ने इसके अंदर अपनी सपोर्ट दिखाई है। तो उसके लिए सिद्धार्थ सबसे पहले कहते हैं कि मैं खुशकिस्मत नहीं हूं, बदकिस्मती है, फिर कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूं कि फैंस ने प्यार दिखाकर रख दिया। सिद्धार्थ शुक्ला की एक और बहुत बड़ी बात, सीरीज आई, प्रोजेक्ट्स आते हैं, फैंस प्यार दिखाते हैं, फैंस प्यार दिखाने के साथ साथ अटैचमेंट बनाकर रखते हैं दिल की, तो मेरा दिल बाग बाग हो जाता है। और भाई मैं थैंकफुल कहना चाहूंगा सभी को, थैंकफुल जिन्होंने मुझे दिल से अटैचमेंट अपना, मतलब इमोशंस जो होते हैं ना उससे अपने प्यार किया मुझे, और इतना ज्यादा सपोर्टिव है। सिद्धार्थ शुक्ला ने एक बात और कह दी, लास्ट बात, और वो ये थी ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर के। सिद्धार्थ ने कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म हमारे लिए एक नया प्लेटफॉर्म बन चुका है, ऐसे में बॉलीवुड पर अब काम कर पाना इज अ वेरी इम्पॉसिबल, क्योंकि जितने भी सारे थिएटर्स हैं वो सब बंद हैं। अब थिएटर्स जब बंद होंगे तो भाई लोगों को कितना ज्यादा नुकसान होगा, पिक्चर्सें करनी पड़ेंगी, ऐसी ना जाने कितनी पिक्चर्सें रुकी हुई हैं। तो इससे अच्छी बात ये है कि जो Amazon प्राइम है या फिर हॉटस्टार, डिस्नी प्लस है या फिर और अदर ऐप हो गए, इन सब चीजों के ऊपर काम करके हर कोई सक्सेस पा सकता है और हर कोई नाम कमा सकता है। ये सब सिद्धार्थ ने कहा कि मैं इससे हद से ज्यादा खुश हूं कि काफी सारे लोगों को मौका दिया जाएगा अब काम करने का, वरना बॉलीवुड में क्या होता है, लाखों करोड़ों की हिसाब से पैसा लगा होता है, तो वह एक रिस्क होता है नए बंदे को डालना, मूवी चले या ना चले उसके ऊपर कोई डिपेंड नहीं है। फिलहाल सिद्धार्थ ने साफ साफ कहा कि ये नया ओटीटी प्लेटफॉर्म हमारे लिए एक सक्सेस की सीढ़ी लेकर आया है, और मैं बहुत खुशनसीब हूं कि मैंने ये वेब सीरीज की और इतना ज्यादा प्यार मिला फैंस का। वाकई में दिल खुश कर दिया सिद्धार्थ के इस वाले हिंदुस्तान टाइम्स पर दिए खूबसूरत से इंटरव्यू में। कौन सी वाली बात सिद्धार्थ की जेन्युइन लगी, कुछ ज्यादा गुस्सा कर गया मैं? नहीं यार, कभी कभी इमोशंस बाहर निकल जाते हैं। चलिए भाई दबे, कैसा लगा सिद्धार्थ का इंटरव्यू वो हमें कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब, वीडियो अच्छा लगा तो भाई कर सकते हैं, वरना तो भाई अपडेट्स जो आती हैं वो देखते रहिए, मिस हो सकती है।